तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, आज हम बात करेंगे डेफन वेकिया को एक से अनेक पौधे कैसे बनाएं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक डेफन वेकिया का पौधा है और ये बहुत ही बड़ा हो चुका है और गर्मियों में इसकी पत्तियां झुलस गई थी, तो अभी मैंने इसको काट दिया है और इसको अब ये बहुत ही बड़ा हो गया है, तो इसको मैं निकालूंगा और यही प्रोपेगेट होगा, एक से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें इस तरह के आपके सभी नोडल एरिया से इसके नए नए ये प्लांट निकल रहे हैं। इस तरह से मतलब इसकी ब्रांचेज हैं और हम नीचे से काट के इनको अलग अलग काट के लगाएंगे तो फिर ये नए पौधे बन जाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं कैसे इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मिट्टी बना लेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास मिट्टी है, ये गार्डन सॉइल है और इसमें लगभग 70% ये मिट्टी है और इसमें 30% रेत है। ये देखिए, मैं एक ही साथ नीचे से ले आया था तो रेत ये है और कल की थोड़ी सी बारिश हुई है इसलिए भीगी भीगी सी, गीली गीली सी है। और ये देखिए, इसको हम मिक्स करेंगे और फिर इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, बस इसमें हम ऐसे ही लगा देंगे पौधे को। और उसके बाद में जब हमको ये दूसरे गमले में शिफ्ट करना होगा तब हम इसमें खाद डालेंगे। तो ठीक है, पहले मिट्टी को मिला लेते हैं फिर इसको पॉलीबैग में भर के लगाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारी मिट्टी बन गई है और ये देखिए, मैंने डेफन बेकिया की जो ये ब्रांच है इसको काट लिया है और इसको नीचे से काट लिया है अब जो भी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से इसको काट लिया है और अभी नीचे से ये अलग अलग कई तरह के ये कई सारे जो है ये इसके ब्रांचेज निकल रहे हैं, तो ये फिर से नई ग्रोथ ले लेगी और इसमें बहुत सारे नए नए पौधे बन जाएंगे। और फिर ये जो है, ये मेन इसका जो ब्रांच है इसको हम कट 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 के और लगाएंगे, तो इससे बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसको काट लेंगे और दो दो नोडल एरिया से काटेंगे ताकि दो दो ब्रांचेज निकलें। ये देखिए, एक ये है और एक ये है, तो हम यहाँ से इसको काटेंगे। ये देखिए, और हम चाहें तो एक एक नोड भी काट के लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम काट लेंगे किसी भी चाकू की सहायता से। ये देखिए, और इसको हम लगा देंगे तो यहाँ यहाँ से नई नई जो है प्लांट निकल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं और काट लेता हूँ फिर बता। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको बहुत सारे टुकड़े में काट लिया है और ये जो है सबसे ऊपर की मेन जो है ब्रांच है, तो इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, यहाँ से ऐसे ही इतना गाड़ देंगे मिट्टी में, तो ये एक नया पौधा बन जाएगा। तो ठीक है, अब हम पॉलीबैग में मिट्टी भरेंगे और इसको लगाते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये पॉलीबैग है और इसमें ये ड्रेनेज होल बने हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से चार चार पांच पांच बने हुए हैं, तो अभी हम इसमें मिट्टी भरेंगे और लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसमें मिट्टी भर सकते हैं। ये देखिए, मिट्टी हमने भर लिया है और फिर हम इसको लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको हम देखते भी जाएंगे एक तरह से। ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो हम इसको ऐसे लगा देंगे ताकि एक इधर से निकल जाए पौधा और एक इधर से निकल जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको मिट्टी में दबा देंगे। ये देखिए, और ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा इसमें। ये देखिए, इस तरह से। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहेंगे ताकि इसमें नमी बने रहे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और भी लगा देता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो मेन ब्रांच था उसको भी मैंने लगा दिया है इसमें और ये कुछ दिनों में सेट हो जाएगा। और इसके बाद से ये देखिए, इस तरह से हमने लगा दिया है, लगभग एक महीने बाद इसमें से नई नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और फिर नए नए पौधे बन जाएंगे इसमें। और ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसके रूट के पास से नए नए पौधे निकलते रहते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें ये देखिए, इसमें ये नया पौधा निकल रहा है नीचे से, तो हम इसको नीचे से निकाल करके और किसी भी पॉलीबैग में या नए गमले में लगा सकते हैं, तो ये एक नया पौधा बन जाएगा। अभी गर्मियों के कारण ये बहुत ही ख़राब हो रहा था पौधा और
अब आज थोड़ी सी बारिश हुई है तो पौधों को बहुत ही सुकून मिला है और सभी पौधे बहुत ही खुश हैं। तो ठीक है, डेक्वनवेकिया को ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो ठीक है दोस्तों, आज यही शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।